Kavadino Adrian. Very good. Volte. All Volte. Baspera. Kavadino Adrian, welcome to Us Number 9, presented by Surf Excel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, तभी मेरा शो देख रहे हैं, हंसना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर। भाई पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा खूबसूरत एक नया हवा का झोंका आया है, मौला जट, जिसने 200 करोड़ से ऊपर कमा लिए हैं। पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्म बन चुकी है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक उम्मीद की किरण बन चुकी है। किसी भी फिल्म को कामयाब होने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है कि फिल्म रिलीज तो हो, और रिलीज होगी या नहीं ये हाथ में होता है सेंसर बोर्ड के। सेंसर बोर्ड हर बोर्ड का बाप, सेंसर बोर्ड वो जिसने बैन की फिल्म्स बेहिसाब, सेंसर बोर्ड वो जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का डराना ख्वाब, सेंसर बोर्ड वो जिसके सामने हर अदाकार लाजवाब। तो ख्वातीन आजाद, सेंसर बोर्ड वो बोर्ड है जो फिल्में देखता है और बताता है कि ये अवाम को क्या नहीं देखना है इसमें से। ये काम अवाम खुद भी कर सकती है, मगर अगर अवाम ये काम करने पर उतर आई तो सेंसर बोर्ड शायद खुद सेंसर हो जाए, नौकरियां चली जाए इन लोगों की। सेंसर बोर्ड में जो ये मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं, तो पूरी मूवी देखने वाले जो मेंबर्स होंगे वो कितने एक्साइटेड होते होंगे, मैं देखूंगा पूरी मूवी, मैं देखूंगा, क्योंकि वो देखते हैं और फिर कहते हैं ये मैंने देख लिया है, अब इसको काट दो, कोई और ना देख। स्नैपचैट जो इस्तेमाल करते हैं ना लड़के, जो कहते हैं कि देख के डिलीट कर देना, मुझे लगता है सारे सेंसर बोर्ड में काम है। पाकिस्तान में कई मूवीज बैन हुई, मगर जो नुमाया मूवीज है उनका मैं जिक्र करना जरूरी समझता। 1973 में एक मूवी आई इंसान और गधा, जो बैन हो गई क्योंकि गधों ने काफी एतराज उठाया कि हम फिल्मी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, हम बिल्कुल फिल्मी नहीं हैं, इसलिए वो सेंसर बोर्ड ने जो है वो बैन कर दी। 1979 में फिल्म आई औरत राज, जिसमें ये दिखाया गया कि जेंडर रोल्स रिवर्स हो गए, खवातीन के मसाइल की अक्कासी की गई, मगर ये अक्कासी दो मर्द कर रहे थे, यानी वहीद मुराद और रंगीला साहब, जो खवातीन कपड़े पहनकर ये कर रहे थे। फिल्म बोर्ड ने, सेंसर बोर्ड ने फिल्म बैन कर दी। शायद वो ये भी समझे हों कि औरत राज नहीं, औरत मार्च। 2016 में फिल्म आई मालिक, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह एक मखसूस सूबे की हुकूमत जो है वो अपनी चलाती है और आवाम को दबाती है, तो उस मखसूस सूबे ने बेसिकली अपनी चलाई और फिल्म दबा दी। 2017 में शोएब मंसूर, जो पाकिस्तान के एक बहुत ही मकबूल प्रोड्यूसर क्रिएटर है, उनकी फिल्म आई वरना, जिसमें माहिरा खान को एक बार फिर उन्होंने कास्ट किया। उसमें दिखाया गया कि घर के अंदर किस तरह खवातीन के साथ ज्यादतियां होती है, क्योंकि घर की बात थी तो सेंसर बोर्ड ने कहा घर की बात घर में रहनी चाहिए, फिल्म बैन कर दी। 2021 में फिल्म आई जावेद इकबाल, जो पाकिस्तान के सबसे खतरनाक सीरियल किलर पे थी, इसको काफी इंटरनेशनल इनाम मिले, अवार्ड्स मिले, सीरियल किलर को नहीं फिल्म को मिले, मगर फिल्म बैन कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई फिल्म को अडल्ट रेटिंग के साथ जो है वो रिलीज कर देना चाहिए, तो सेंसर बोर्ड ने कहा अडल्ट रेटिंग क्या होती है, फिल्मों की बात हो रही है, तो मैंने कहा कि मैं शायद सेंसर बोर्ड से रिक्वेस्ट करके देखूं, उनसे कुछ बात करके देखूं, शायद वो मान जाए। तो मैंने देखा कि चेयरमैन कौन है भाई सेंसर बोर्ड का जिनसे बात की जाए, तो चेयरमैन साहब है मोहम्मद ताहिर हसन। हम उनकी वेबसाइट पे गए www.mohammadtahirhasan.com, तो हमने देखा कि वहां पर 15-20 ताहिर हसन साहब है, लेफ्ट पे ताहिर हसन साहब, राइट पे ताहिर हसन साहब, ऊपर ताहिर हसन साहब, नीचे ताहिर हसन साहब, ताहिर हसन साहब भी ताहिर हसन साहब। ताहिर हसन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितनी पिक्चरें आपने अपनी वेबसाइट पर अपनी रिलीज की हुई हैं, कम से कम पाकिस्तान में उतनी तो फिल्में रिलीज होने दिया करें ताकि हमारी इंडस्ट्री भी फल फूल सके। तो मैं बुलाने जा रहा हूं जरार की लीडिंग एक्ट्रेस को, आपकी भरपूर तालियों में, बहुत ही जल्दी इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, यह है हमारी गुड लक, क्योंकि बुलाने जा रहा हूं किलन मलिक। हाय किलन, वेलकम टू अस नाउ, प्लीज हैव अ सीट। अजीन हजरात, अब जो मैं बुलाने जा रहा हूं, जिनको ये पाकिस्तान के बाय ऑल मीन सबसे बड़े स्टार हैं, 500 से ऊपर फिल्में की, कई अवार्ड्स जीते, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जीती, अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं ये वाहिद, क्योंकि मैं बुलाने जा रहा हूं दिशान शाह। प्लीज आइए, बस्ती रहनी चाहिए। कान भाई, ऐसा है कि आपके शो में आपने एक इंटरव्यू किया, गेस्ट लाइटिंग से काफी नाराज रहे आपके शो में, आज आपको लाइटिंग ठीक लग रही है? बहुत अच्छी लाइटिंग है और लीडर भी वैसा ही है। अरे शान भाई, ऐसा है किरण, आपसे भी हम बात का आगाज करेंगे, मगर ऐसा है कुछ ऐसी चीज़ें हमने जमा कर रखी हैं कि जब तक मैं वो दिखा नहीं दूंगा मुझे सबर नहीं आएगा। शान भाई, कुछ आपके मूवी के पोस्टर्स हैं और कुछ पोस्टर्स ऐसे हैं जो फैंस ने आपकी लिए बनाए हैं, तो नज़र डालते हैं उन पोस्टर्स पर। पहले दिखाइए भाई, क्या है पोस्टर्स? वार, वार आपकी बेहतरीन मूवी थी, पाकिस्तान की आइकॉनिक मूवी थी वार। वार के बाद आई यलगार, अब आई
जर्रार, अब लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाना शुरू की। अच्छा, अब आई शायद इन बेकार दो बार फाड़। कामयाब फिल्म लग रही है ये, फाड़ बेशुमार। शाहनशाह प्रेजेंट्स मार, और आखिरी है जहाज। शाहनशाह इज डेडली, शाहनशाह इज हिडन, शाहनशाह इज इन झाड़। कान भाई, कोई ऐसा नाम जो आपने इसमें से चूज किया अगली मूवी के लिए? जर्रार हो गया है, यलगार हो गया है, वार हो चुका है, अब आपके दिमाग में अगला सीक्वल क्या होगा? नहीं, सीक्वल तो बहुत है, लेकिन वो मेरे ख्याल में टाइम लगेगा उनको बनने में। तो पहली थी वार, फिर यलगार, फिर जर्रार, और फिर आ गया आपका बेशुमार झाड़, और फिर वो सारा। आपके पास काफी कंटेंट आ गया, काफी कंटेंट आ गया। कान भाई, पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, जर्रार माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुली हमारे सिनेमाज में चल रही है, उम्मीद करता हूँ चलती रहे जब तक चौथी ना आए। लेकिन थोड़ा काम किया आपने, मगर माशाल्लाह से आज आप एक पाकिस्तान के सुपरस्टार के साथ पाकिस्तान के एक हाईली बजटेड प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट में बैठी हैं। मैं हंसना मनाही की बात कर रहा हूँ मेरे सामने। अच्छा बताएं ना, कैसा लग रहा है आपको? मैं डेब्यू फिल्म थी आपकी ये, जब आपने साइन किया तो ये आपकी डेब्यू फिल्म थी? बिल्कुल। माशाल्लाह जब रिलीज हुई तो नहीं रही डेब्यू फिल्म, ये आपका साइन बड़ा था या मूवी लेट रिलीज हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है बीच में कोविड आ गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से फिल्म डिले हो गई थी। उसके बीच में मैंने एक और फिल्म साइन कर दी, और फिर शान ने कहा पिंकी मैम साहब पिंकी मैम साहब जी, और वो पहले आ गई, ये बाद में आ गई। बट वो दोनों जॉनराज दोनों फ़र्क हैं, वो यू नो एक इंडी फिल्म है, ये एक बिग कमर्शियल फिल्म है, एक्शन फिल्म है, सो दोनों बिल्कुल फ़र्क हैं। पर शान ने मुझे सपोर्ट किया, शान ही हैं जो मुझे फिल्म की साइड पे लेकर आए, वरना मैंने एक्टिंग का सोचा भी नहीं था। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू दिस मैन सिटिंग बिसाइड मी। नॉट एट ऑल, आई थिंक आई एम शान भाई। मैंने सुना कि खातून एक सेल्फी लेने आई थी, और सही सुना ना, किसी रेस्टोरेंट में आप लोग ये खाना खा रही थी, आप भी वहां बैठे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये स्टार स्ट्रक हो गई, इन्होंने कहा शान, और फिर ये तस्वीर खिंचवाने आपके पास गई, और जो तस्वीर का रिजल्ट आया वो मूवी में है, मतलब ये मूवी में नजर आ रही है। वो था ये कि पाकिस्तान में क्योंकि कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे आप टैलेंट हंट कर सकें, या टेलीविजन के अलावा, और टेलीविजन में भी एक रन ऑफ द मिल जो भी चल रहा होता है उसको इतना ज्यादा वो रगेद रहे होते हैं। मुझे लगा कि बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, बट उसको रिकग्नाइज करना, वो आपको गाहे बगाहे मिलते रहते हैं लोग, चाहे वो अच्छे गाने सिंगर्स हों, जैसे एक बहुत बड़ा स्टूडियो है जिसने अब म्यूज़िक को ओन किया है, तो उसका जो प्लेटफॉर्म था वो यही था कि यूथ को इंगेज करना था, बट बाय द एंड ऑफ द डे इट बिकेम अ ब्रांड, इट बिकेम स्टार का वो एक एरिया हो गया। सो आई थिंक वो बहुत अच्छा बात नहीं, बिकॉज आपकी सारी यूथ जो है वो क्रिकेट और इन चीज़ों के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी टिकटॉक में लगी हुई है। या सो आई थिंक टिकटॉक आपको एक्चुअली बता रहा है कि आपकी ऑडियंस तैयार है, दे वॉन्ट टू कम इन टू दिस फील्ड, प्रोवाइड देम विद द प्लेटफॉर्म एंड अ सीरियस लर्निंग प्रोसेस, एंड आई थिंक योर रोल। आई थिंक वी नीड इंस्टीट्यूट्स एज वेल, आई थिंक वी नीड प्लेसेस वेयर वी कैन गो, पीपल लाइक अस हु आर न्यू टू एक्टिंग कैन गो एंड यू नो पॉलिश आवरसेल्फ। वो स्किल्स तो बहुत सारे लोगों के पास हैं, पर उसको पॉलिश करके ही आप एक अच्छा एक्टर बन सकते हैं। अच्छा किरण, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, तो आपसे प्यारा सवाल पूछूं? जरूर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने एक बार कहा कि मुझे झटके मटके की फिल्में नहीं अच्छी। पहले तो मैं झटका और मटका डिफाइन करवाऊंगा, झटका झटका क्या है और मटका मटका। मैंने कहा था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैंने एक डांस नंबर एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनकी फिल्म के लिए किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया, बट मैं दोबारा वो करूँगी आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि आप वही काम करते हैं जिसको आपको करके मज़ा आता है। तो एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस अगर दोबारा करना है तो आई थिंक ट्वाइस, ठीक है। तो इस लिहाज से मैंने कहा था लटका झटका, वरना आप जरार में भी थोड़े लटके झटके देखेंगे, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में बिकॉज शी वाज़ प्लेइंग अ जर्नलिस्ट, हाँ, इसलिए जितना डांस रिक्वायर्ड था हमने उतना ही उस कैरेक्टर के हिसाब से किया। सो इफ शी इज प्लेइंग अनदर कैरेक्टर आई थिंक शी हैज द एनर्जी टू। जर्नलिस्ट तो इशारों पे नाचते हैं अक्सर, गानों पे नहीं नाचते, नचाते भी हैं, उल्टा हो चुका है पाकिस्तान में। हां शान भाई, अक्सर लिफाफे पे भी नाच जाते हैं, बिल्कुल उसी पे, मुझे लिफाफा दिखा मेरा मूड बने। खान भाई, 1990s में जो खवातीन आप पे मरती थी या जो लोग आप पे मरते थे, अब
तकरीबन मर ही चुके हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप वैसे के वैसे ही 19-20 का फर्क नहीं आया। मैं सिर्फ आपसे टिप्स लेना चाहता हूं कि किस तरह आप करियर की लॉन्जिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं पहला टिप आपको दे दूं, सच बोलना। वाह, सबसे बड़ी टिप है, सच बोलूं। आपने ये नहीं बताया कि मैं बुलंदी में 16 का था जब मैं आया था, और आपके आज जो यूथ के हीरो हैं वो उस वक्त NCA में पढ़ रहे थे और वो मेरे साथ ही थे उसमें कोई तब मैं मशहूर उनसे पहले हो गया, तो मेरे बहुत बाद मशहूर हुए। सो ऑल माई फ्रेंड्स, आई एम 50 नाउ, और माशाल्लाह अभी भी आपके शोबिज़ के जितने ए टॉप लिस्टर्स हैं वो सारे वी आर एट द सेम बैलेंस। आई थिंक ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि मैं, आई थिंक यू हैव टू हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ एंड झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ओवरवर्क नहीं करना चाहिए, एंड यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस इन लाइफ एंड यू हैव टू हैव अ कनेक्शन विद द क्रिएटर। वेरी नाइस। अच्छा, दो एक और, एक किसी एक्टर के लिए, आर्टिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या लोग होते हैं वो होती है आवाम। तो आज हमारे सामने बैठी है बहुत सारी आवाम और इनके पास हैं सवाल। हंसना मना है, एंड आई से दिस वेरी प्राउडली, ये दिस इज द ओनली शो इन पाकिस्तान वेयर वी इंटरेक्ट विद द ऑडियंस एंड दिस इज नॉट क्यूरेटेड। दे हैव देयर ओन सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड दे आस्क दोस क्वेश्चंस। अपने सुपर स्टार से बात करना चाहते हैं। मैं इनसे शरारते करता रहता हूँ, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये पहले मैं कहता था बिरयानी के लिए आए हैं, मगर अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, अब ये वाकई जिंगर के लिए आए हैं। बात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? अब्दुल वहाब। तो कोई सवाल है? जी, मेरा शान सर से क्वेश्चन है कि आपकी जो पहली फिल्म शुरू शुरू में आई थी उसमें आपको एक बार में कितनी ज़्यादा बुलेट्स लगती थी तो आप फौरन गिरते क्यों नहीं थे? पूरी मैगजीन खाली हो जाती थी लेकिन आप नहीं गिरते थे। आप इसकी प्रॉब्लम समझें, शायद भाई प्रॉब्लम समझें। पहले आपने ये समझना है कि आप फिल्म देखने गए थे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए। वो सुपरमैन अंडरवेयर बाहर पहन के फिरता है, उससे कोई इशू नहीं है आपको। तो आई थिंक आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बट फिल्म फैंटेसी होती है, फिक्शन होती है। ये ना हो कि घर आके आप परों वाला घोड़ा ढूंढते रहे, ऐसा होता नहीं है। तो आई थिंक फिक्शन समझना सीखें, इंजॉय करना सीखें, एंटरटेन करना सीखें। हर गाना जो आप सुनते हैं इश्क के बारे में, इश्क ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो ये ना हो कि कल को आप गाना सुन के किसी से इश्क कर लें और बाद में जलील हों। When you go see a film, आपको वो देखने को मिलता है जो आपको घर में देखने को नहीं मिलता है। इसको शायद मिल रहा है। अच्छा, अबे तू मुझे बाप बता, अपना सॉरी नाम बोलिए बाप। पहले सीन में गोलियां लगे, हीरो गिर जाए, खत्म हो जाए, अब आगे क्या करें? बैठे रहे, देखते रहे, हीरो मर गया। गलत है ना? गलत है। चलो भाई, अगला सवाल किसके पास है? थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है हाफिज मुहिबुन नबी। हाफिज मुहिबुन नबी। नबी जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा नाम है। क्या करते हो तुम? इंटर? नहीं, FSC मेडिकल कर रहा हूँ। ये डिफरेंट है कुछ? जी, मैं इंटर नहीं करता, मैं FSC मेडिकल करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डिफरेंट बना तुम, डिफरेंट कुछ कहा तुमने। कोई सवाल लाए हो या बस आ गए हो? नहीं नहीं, एक क्वेश्चन है मेरा शान भाई के लिए। पूछो ना शान भाई, आपसे क्वेश्चन है। आप मूवी में लंदन में मारपीट करते हुए नजर आए, अगर वहाँ आपको नवाज शरीफ या MQM के बंदे मिलते तो क्या वहाँ भी मारपीट शुरू कर देते? मुश्किल सवाल है। अब बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल आप उनसे करें जिन्होंने उनको पहले भेजा है लंदन। खान साहब से वो बता सकते हैं आपको। खान साहब से पूछें ये सवाल। आपके ख्याल में खान साहब ने भेजा है? लगता तो यही है। मैं आपको 400 दिखा सकता हूँ, उसमें खान साहब नहीं होंगे। अच्छा, तुम ये पूछ रहे थे उनसे कि आप लंदन नहीं, उन्होंने नहीं मारा, वो ये काम करने गए थे वो? कोई पता नहीं, शायद मूड हो। इसके अलावा दुश्मनों की फहरिस्त बहुत लंबी है, आप देखें, ढूंढें, एक्सटर्नल थ्रेट्स जो भी हैं पाकिस्तान को, रिसर्च करें। आपको अल्लाह ने गूगल अता कर दिया है, उस पर ये चीज़ें भी रिसर्च किया करें। मैं मुझे जानता हूँ आप क्या रिसर्च करें। मेरे ख्याल में हर आदमी का एक अपना शोभा होता है, वो सड़क साफ़ करने वाला ज़रूरी नहीं कि वो किसी का मुंह भी साफ़ कर दे। शान भाई FSC मेडिकल कर रहे हैं, इससे सब कुछ हो नहीं पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाज रियाज। अरे नाजो न्याज तो मैंने सुना था, नाज रियाज नहीं सुना था। तुम स्टडी करती हो, इंटर में ही करती होगी जाहिर बात है, उसी साइज की। तो क्या सवाल है तुम्हारे? किरण मैम से आपका क्रश कौन है? ओह, खातून ने इधर उधर की बात नहीं की, इधर टॉकिंग अबाउट द बुश, स्ट्रेट शॉट। क्रश कौन है? मेरा क्रश शुरू से और अब तक माय फादर।
फादर भाई इस पे लेकिन वो जिस मकसद के लिए पूछ रही थी उसमें फादर बैठे हैं अगर यही जवाब दिया अच्छा मैंने एक बहुत खवातीन जहाँ पर बैठी हुई हैं और मैंने बहुत शान भाई आपकी इजाज़त से मैंने एक बहुत अच्छी बात मेरी बेगम ने मुझे कही कि जो लड़कियाँ होती हैं ना वो जब शादी करने का उनका वक्त आता है तो वो लड़के में एक चीज़ दे कि या तो लड़का उनके बाप जैसा हो या उनके बाप जैसा ना क्योंकि कुछ ऐसे बाप तो बापों के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी का ऐसा बाप बने कि जब वो लड़की ढूंढने जाए तो वो हर लड़के में कहेंगे यार मेरे बाप जैसा समझे ये वो इम्पोर्टेंट बात है तो हम बापों के ऊपर ही जिम्मेदारी लड़कियों के ऊपर अगला सवाल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है पार्टनर सबूर सबूर जी सजल की बहन हो क्या सवाल है तुम्हारे पास मेरा सवाल जो है मैम से है मैम से जी पूछिए ना मैम मेरा सवाल ये है कि जब से आपको मैंने देखा है ना तो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है अच्छा। तो मुझे आपका योगा बहुत पसंद है बहुत। लेकिन आजकल जो है ना आपका योगा रेगुलर नहीं आ रहा और मैं भी कोशिश करता हूँ योगा करने की और मुझसे होता नहीं है क्या नहीं होता क्या योगा यू वांट योगा, योगा, योगा योगा अच्छा वो कह रहे हैं सबूर सबूर कह रहे हैं कि आपके योगा की वो रील्स देखते होंगे और उसको देख कर वो योगा करते थे बस अब अभी तक तो मेरी आजकल ये योगा निकाल रहे हैं तरार वाले नाम इनका वैसे टाइम नहीं मिल रहा नाम इनकी हरकतों से बिल्कुल बरक्स है बिल्कुल बिल्कुल सबर नहीं लड़के मतलब एक सोचे ना मतलब सबूर एक योगा की रील ढूंढ रहा है बड़ा अजीब सा लगता है सबूर को कुछ और ढूंढना चाहिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका शानजे वाह भाई आज तो बहुत सारे शान मौजूद है सवाल है आपका शानजे जी पूछिए मेरा शान सर से सवाल है जैसे हर प्रोफेशन की एक रिटायरमेंट एज होती है तो एक्टिंग की क्या रिटायरमेंट एज है हर उम्र का एक स्क्रिप्ट होता है कहानी की कोई एज नहीं होती रिटायर होने की आपको हर उम्र का एक स्क्रिप्ट होता है एक कहानी होती है अगर आज आप अपने किसी बच्चे के साथ बैठेंगे तो वो उसका कहानी और है उसका स्क्रिप्ट और है और अगर आप किसी बुज़ुर्ग के साथ बैठेंगे तो उनकी अपनी कहानी है तो हम स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं हम रेसलिंग का काम नहीं करते ना क्रिकेट का काम करते हैं यहाँ तो खैर क्रिकेट में भी 40-40 साल के क्रिकेटर्स हैं नॉट ए इशू उसमें कुछ नहीं होता मुझे लगता है कि एक्टर की जो रिटायरमेंट की जो एज होती है वो टिल द डे ही डाइज अच्छा शान भाई ये जो गाने होते हैं रैप वैप अक्सर तो ये तो खर्च चलो तभी बहुत बेहतर होता लेकिन रैप के लिरिक्स ऐसे होते नॉर्मल बातें हाँ तुझे जूस पिलाऊं हाँ तुझे मुल्क दिखलाऊं तू ऐसे मैं स्नीक करती तेरा बैलेंस डलवाऊं ये किस किस्म के गाने हैं खवातीनो हजरात वक्त हुआ है ब्रेक का मैं जा रहा हूं ब्रेक पे अब लीजिए ब्रेक ये और सजना पाकिस्तान के सबसे बड़े मानचेस्टर मनाए पे आप सबको मेरा प्रणाम और आपके सामने जो बैठे हैं शान जी अगर हम हिंदुस्तान बॉलीवुड की शान हैं तो आप लॉलीवुड का शान हैं और किरण जी आप तो वैसे ही महान हैं और आपके साथ बैठा हमारा मेजबान है पूरा मंच के लिए तालियां शावा शावा माहिया से शावा शावा तालियां वेलकम बैक वेलकम बैक टू असला मनाए मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट शान शाहिद और मेरे साथ दूसरी मौजूद हैं किरण मलिक अच्छा शान भाई ऐसा है कि आप पाकिस्तान के मेगा स्टार आप आए हैं आप मुझे पता है कि आपको पड़ोसी मुल्क से बिल्कुल शगफ नहीं है अफगानिस्तान की आपने कभी बात नहीं ना आप जाना चाहते हैं ना आप काम करें मगर आज हमारे साथ हमारे दूसरे साइड के पड़ोसी मुल्क के एक मेगा स्टार मौजूद है हमारे साथ है द ग्रेट अमिताभ बच्चन अमित जी कैसे हैं आप बहुत देवी और सज्जना पाकिस्तान के सबसे बड़े मानचेस्टर मनाए पे आप सबको मेरा प्रणाम और आपके सामने जो बैठे हैं शान जी अगर हम हिंदुस्तान बॉलीवुड की शान हैं तो आप लॉलीवुड का शान हैं और किरण जी आप तो वैसे ही महान हैं और आपके साथ बैठा हमारा मेजबान है पूरा मंच के लिए तालियां शावा शावा माहिया से शावा शावा शान जी आपने तो हिंदुस्तान में बड़ी धूमें मचाई हुई आपके गरम मसाले बड़े मशहूर हैं वहाँ मुझे अमित जी ये बताइए कि आपने बॉलीवुड की तमाम फीमेल एक्टर्स के साथ काम किया अगर आपको मौका मिले कि हमारी इंडस्ट्री की किसी फीमेल एक्टर के साथ काम करना पड़े तो आप किसको चाहेंगे कि वो आपके साथ जो है वो कास्ट हो
अभिजी, ये तो आपने एक बड़ा मुश्किल प्रश्न हमारे सामने रख दिया। देखिए टू बी, आपको फ्रेंकली अगर बताएं कि मुसर्रत नजीर जी से लेके और फिर शबनम जी और फिर बाबरा शरीफ जी से लेके अब तक की जितने कलाकार आए हैं सारी महान हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन शान जी के साथ जो बुलंदी पिक्चर थी उसके अंदर जो हीरोइन थी रीमा जी, जी रीमा जी, वो मेरी फेवरेट है। और खास करके उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, वो जैसे बोलती थी, ताबिश बात ये है कि मैं नोट कर रही हूँ कि तुम थोड़ा शर्मा रहे हो मुझसे बात करने हूँ तुम मैं अमित जी, अमित जी और कॉमेडी जो है यहाँ पर बच्चन जी कॉमेडी करेंगे। कॉमेडी जाने से पहले मैं शान जी से गिला करना चाहता हूं, अगर वो इजाजत दें तो। गिला मत करें, अभी नया सेट बना। नहीं, मैं थूके नहीं फेंक रहा, छिड़काव करने के लिए नहीं आया। ठीक है, करें। मैं अमिताभ बच्चन, आई एम नॉट शाह महमूद कुरैशी। अच्छा शान जी, आपने हमारे एक्टर शाहरुख खान जी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई, आपने कहा कि उनको अपनी उम्र के हिसाब से कैरेक्टर करना चाहिए, क्योंकि शाहरुख तो हमेशा से शाहरुख था। आपने इस पर कॉमेंट करना है, बचपन से मैं उसको देख रहा हूं, वो तो जब रोता भी था उसे तो जब टीका भी वो पमीरी वाला टीका डॉक्टर लगा रहा था तो वो उस वक्त भी कह रहा था नहीं लगता रे नारंग, नहीं लगता रे। फिर डॉक्टर ने वहां लगाया जहां लगता था, एक अलग बात दुनिया जानती है। लेकिन शान जी का कॉमेंट लें कि उन्होंने ये क्यों कहा, क्योंकि हमारे यहां इसको लेके काफी चर्चा हुई। ठीक है, मैं पूछ लूंगा, अभी पूछ हाँ म्यूट कर। मुझे लगा कि हर एक्टर जो होता है वो अपने एक सेफ जोन में रहने की कोशिश करता है, कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन में करता है, और उसकी जो चीज़ें हिट होती हैं वो उन्हीं को बार बार रिपीट करता रहता है। उसके साथ जो हल्का अहबाब होता है वो उसको सपोर्ट करता रहता है, उसको रियलिटी नहीं बताता। तो मुझे लगता है कि उसको खुद वेंचर करना चाहिए। जैसे आप हॉलीवुड में देखते हैं, पीपल ग्रो आउट ऑफ देयर कैरेक्टर्स, दे ग्रो आउट ऑफ देयर रोल्स एंड दे स्टार्ट। आपका वहाँ पर लियाम नीसन है, टेकन सीरीज है उसकी, वो प्लस 50 रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे पहले मिशन इम्पॉसिबल है, वो भी अपना एक जॉनर है। सो आई थिंक बेहतर काम होता है अपने अगर आप सपोर्ट करते हैं अपने कैरेक्टर को और अपनी एज को और अपने स्क्रिप्ट को इकट्ठा रखते हैं, तो आई थिंक वो हरकतें पूरा सेट चेंज हो जाता है एक्टर का। आप रियलिटी से अगर कनेक्टेड रहेंगे भाई, आप मुझ पे ये सूट आई थिंक काम यही होता है, क्योंकि हमने मोहम्मद अली साहब को भी हम कहते थे कि वो जो FMA पास हो गया जब वो घर आए, मैं मैट्रिक में राइट। तो ये मुझे लग रहा है कि अब शाहरुख खान भी जो है ना वो अब मैट्रिक में अभी तक पास नहीं हुआ, तो उसको चाहिए कि ही नीड्स टू ग्रो एंड ग्रो ऑन अ बिगर स्केल, कोलैबोरेट विद हॉलीवुड एंड गेट गुड स्क्रिप्ट्स। वक्त हुआ है शान भाई, गेम खेलेंगे आपसे। इस गेम का नाम है या। अच्छा। या का मतलब उर्दू वाला या, मतलब इसमें या तो ये या तो वो, और सवाल जो है वो ये है या का, आप एक क्वीन है, क्वीन इंग्लैंड वाली ना समझ लीजिएगा। हाँ नहीं नहीं वो तो, हाँ वो तो चलिए, आपने समझना जंगल की, मतलब जंगल की क्वीन नहीं, आप जजीरे की क्वीन है आप, और आपने अपना किंग चूज करना है। अच्छा, अब हम लगाएंगे किंग्स की तस्वीर एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, आपने आखिर में हम आपका किंग ढूंढ लेंगे, दो तस्वीरें दिखाएंगे, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो रहेंगी, दूसरी चली जाएंगी, और इस तरह आखिर में पहुंचकर एक विनर बच जाएगा। तो लगाइए भाई, पहली चॉइस क्या दे रहे हैं हम किरण मलिक को? वाह, पंजाब के दो शेर उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही साहब। ऐसे तो दोनों ही नहीं, परवेज इलाही कर लेते हैं। परवेज इलाही, हाँ चलें। हाँ, क्योंकि अभी ऑफिस में भी हैं, काम आएंगे। वैसे तो दोनों ही नहीं, पर चलें अभी। उस्मान बुज़दार को यहाँ से भी निकाल दो। वाह, ओ तेरी। हमने जजीरे पर रखना है या वोट डालना है? कायम अली शाह को रख लें, वो अक्सर उड़ते रहते हैं। हाँ, वैसे उड़ते रहते हैं, चलें कायम अली शाह। वाह, कायम अली शाह के साथ मुराद अली शाह, कम से कम उम्र थोड़ी कम होगी। इतने उम्र कम है, उनको रख लेते हैं, मेरा ख्याल है 1-2-1 ही करते जाते हैं, उनको रख लेते हैं। अब कायम अली शाह को हट दें। हाँ, मुराद अली शाह देख भी तो ऐसे रहे। हाँ, जैसे कुछ चाहते हैं वो, जजीरे पे जाना चाहते हैं। वाह, बट साहब आ गए। बट साहब, ऑफ कोर्स, बट साहब के आगे कुछ चलेगी कोई नहीं, हटाओ हटाओ मुराद अली शाह साहब को, बट साहब को रोके। वाह, चांद भाई जिस तरह आप बात कर रहे थे 40 साल तक कुछ लड़के क्रिकेट खेलते रहे, आगे। आई थिंक मैं फिर भी अली अजमत को रखूंगी, इज अ वेरी अभी बट साहब को, इज अ वेरी डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त हैं। असल में ओरिजिनल रॉक स्टार भी तो पाकिस्तान के वो ही हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुकाबला सख्त होता जा रहा है, मुझे आवाज मैं फिर भी बाटी नु रखांगी।
किरण देखे, मैं आपको, मैं यहां कन्विंस करूंगा आपको, आप मुझे रख लें, कम से कम यहां तक तो रख, आप दिल में, मैं दिल में हूं तो बट साहब कहां गुर्दे में रखेंगे मैं आपको, और अगर हम एक ही दिल में हम दोनों रहे तो हमारी लड़ाई चलती रहेगी, वो करते रहेंगे, हटाओ बट साहब को हटाओ, वो किरण चूज कर रही है हमें, ओहो ओ तेरी, क्यूट सा तो है, जानते हैं आप निशान भाई, इनको तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी, लग रहा है लेकिन ये दोनों को इकट्ठा ही कर दिया जाए, मैं तो कहता हूं आप देख रही हैं मजबूत लड़का है दोनों साइडों पे, जानती हैं मैंने बहुत सालों बाद टीवी पे नजर आए ये, उनका अपना ही शो चलता रहता है इनका, अब वो भी नहीं चल रहा बेचारे का, कराची वालों, हां भाई हटाएं, हटाएं हटाएं इनको, हटाएं प्लीज, वाह इनको बिल्कुल ही हटा दूं, इनको बिल्कुल ही हटा दो, चले भाई इसमें मियां साहब को हटाइएगा, ताबिश को लगा रहे हैं, ओए ये अच्छे आदमी मोहम्मद राणा, इनके अगेंस्ट मैं खुद विड्रॉ कर जाता हूँ, मैं रखा रहा हूँ, आप लगे रहे, किरण थैंक यू, हटाइए मोहम्मद राणा को, कौन है ये, मैं चलता हूँ अब तो मेरा जाना बंद है, मैं खुद चला जाऊंगा, मेरे ख्याल से अब यहाँ पे रोक दे, बहुत मुबारक हो, थैंक यू, जरार की पूरी कास्ट उस आइलैंड पे मौजूद है, शान भाई वक्त आया आपसे यहाँ खेला जाए, बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट है, अब आप जजीरे पे नहीं है बल्कि आप एक मूवी में हैं जो एक रोम कॉम है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन रोम कॉम के अंदर सिचुएशन ये है कि आपकी एक जौजा तो है, दूसरी जौजा भी मौजूद है मगर आप उनको छुपा रहे, दूसरी जौजा कौन हो सकती है, आइए ऑप्शन देखते जो छुपाई जा सके, पहले ऑप्शन दीजिए भाई शान भाई के लिए, और शान भाई जल्दी जल्दी एलिमिनेट करना है, वाह कोबरा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेरी फेवरेट हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, मेरे ख्याल से शान भाई फिरदौस आपा को जाने देते हैं, अरे मेरे ख्याल में आपा ही ठीक है, फिरदौस आपा को रखिए, उनको छुपाएंगे कैसे आप, वो आ जाएंगी, वो कभी दीवार तोड़ देती हैं कभी, वाह मीरा जी अब मुश्किल है ये, आपा ही बेहतर है, सवाल समझा ना आपने, ये बीवी बनने वाली है, ठीक है अभी देखें, अभी तो आखिरी पत्ता तो अभी हाथ में है, आखिरी पत्ता आ गया, महवेश वाह, आप आपको जाना होगा क्योंकि आ चुकी है महवेश हयात, महवेश हयात पाकिस्तान के उन चंद फीमेल एक्ट्रेस में से हैं जिनको हयात होते हुए भी तमगा इम्तियाज मिला है, वरना यूजली लोग वेट करते हैं शान भाई, अच्छा महवेश हयात और मेरे सरनेम में एक चीज कॉमन है, वो महवेश हयात है, मुझे अक्सर लोग ताबिश वाह हयात कहते हैं, इसमें से महविश रहेंगी, आपा जाएंगी, आपा चली जाएंगी, महविश रह जाएंगी और महविश के साथ आएंगी महविश, महविश ही रहेंगी और फॉर्मर मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स चली जाएंगी ईमान अली, बड़ी स्टनिंग महविश, महविश ही रहेंगी, माय विश है वो, महविश कहा है वो, अभी महविश को लगा रहने दीजिए, हाँ मुकाबला सकते हैं, मुकाबला सकते हैं महविश, महविश खातिर आजाद, अब वक्त आ चुका है कि विनर का अनाउंसमेंट किया जाए, ऑब्वियस चॉइस, ऑब्वियस चॉइस, वाह खातिन आजाद, क्योंकि आप रिश्ते पक्के हो चुके हैं तो अरेंजमेंट्स के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए, आप भी अपने अरेंजमेंट्स कीजिए, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाए, दुनिया के सात बड़े आजमों के नाम बताइए, सात बड़े आजम के कॉन्टिनेंट्स, लंडन वेरी गुड, नहीं हाँ नहीं वही कह रही हूँ ना, सही कह रही हूँ, लंडन लंडन इस्लामाबाद, कॉन्टिनेंट बड़े आजम, बड़े आजम क्या मतलब हुआ, अच्छा एशिया, एशिया अच्छा अफ्रीका एशिया, जिस तरह जर्रार जो है वो सिनेमाज में कामयाबी से चल रही है, हम भी टीवी पर कामयाबी से चल रहे हैं, वेलकम बैक टू असलाम बनाए, भाई किरण जिस तरह अभी शुरू में जिक्र हुआ क्रश का, आपने कहा कि भाई शान आपके क्रश हैं वो वाले, मतलब अभी तो वैसे तो सादर थे आपके, मगर शान भाई को आपने सेलेक्ट किया जबरदस्ती, हमने करवाया आपसे, अब वक्त आ चुका है कि अगर आपने ये काम या ये गेम अच्छा ना खेला तो शान भाई वर्चुअली क्रश हो जाएंगे, ओहो गेम का नाम है बचाओ, लगाइए भाई बचाओ, सिचुएशन ऐसी है कि शान भाई खड़े हुए, ये शान भाई खड़े हुए और ऊपर से एक पत्थर गिर सकता है, अच्छा अभी आपके पास होंगे एक मिनट है दो मिनट है, गॉड आपके पास एक मिनट है,
एक मिनट में मैं आपसे पूछूंगा तीन सवाल, उन तीन लेवल्स हैं, तो आपने एक मिनट के अंदर अगर उन तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो ये पत्थर उन पे नहीं गिरेगा, और अगर कुछ भी कह सकती हूँ कुछ भी नहीं, अच्छा सही जवाब है, जब आप जवाब दे देंगी ना तभी ये टाइमर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले जवाब में 20 सेकंड लगा दिए तो ये 20 सेकंड तक आ जाएगा, फिर विद इन 60 सेकंड्स आपने जवाब देना, मैं जब सवाल पूछ रहा हूँ तो टाइमर रुक जाएगा। शुरू करें भाई, थ्रिल क्रिएट करेंगे। किरण पहला सवाल, मशहूर गेम बचाओ का, कि लाहौर के सात इलाकों के नाम जल्दी से बताइए। लाहौर के सात इलाकों के मॉडल टाउन, डिफेंस, गुलबर्ग, एमएम आलम रोड, नहीं गुलबर्ग में है वो, गुलबर्ग मॉल रोड, रोडे रोडे इलाकों में, रेस कोर्स इलाका है, जीओआर इचरा चादरा, अनारकली नहीं, सात हो गए, सात हो, हाँ, हो गए ना, सही है। 16 मिनट 82 माइक्रो सेकंड 16 सेकंड 82 माइक्रो सेकंड में आपने दे दिया, अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है। अगला सवाल, शान भाई हेल्प कर सकते हैं, पता अच्छा, मुझे बताया नहीं आपने, मैं तो एक सेकंड में बताया था, लाहौर में। दुनिया की उन मशहूर शख्सियात के नाम बताइए जिनका नाम जे से शुरू होता है, चार नाम बताने हैं, फर्स्ट नेम भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है, जे होना चाहिए, मशहूर शख्सियात जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है, चार जे जे है, जे जे, हाँ जे जे, और कौन है ठहर जाओ, जे से मशहूर, जावेद शेख, जावेद शेख, दो जेनिफर लोपेज जूलिया रॉबर्ट्स, चार, रोक दो जूलिया, 31 सेकंड 16 माइक्रो सेकंड। अब आपके पास बचे हुए 28 सेकंड्स जिसमें आपको बचाना है शान भाई को, पत्थर करीब आता जा रहा है। अगला सवाल, ये फंसाने वाला सवाल, दुनिया के सात बड़े आजमों के नाम बताइए, सात बड़े आजम के कॉन्टिनेंट्स, लंदन, वेरी गुड, नहीं ऑस्ट्रेलिया, हाँ नहीं वही कह रही हूँ ना, सही कह रही हूँ, लंदन इस्लामाबाद, बड़े आजम क्या मतलब हुआ, अच्छा एशिया, अच्छा अफ्रीका, एशिया, तुम्हें नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, जो काम नैयर इजाज नहीं कर सके, जो काम शफकत चीमा नहीं कर सके, जो काम सुल्तान राय नहीं कर सके, खवातीनों हजरात, वो किरण मलिक ने कर दिया। अच्छा एक बात बताएं, हाँ। अब आप बताएं मुझे, ये जो आपने मुझसे सवाल किया, हाँ मैं बताऊं, हाँ, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, हाँ, और एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, हाँ, हाँ, नहीं बोले, ना ले लो, अफ्रीका, वो उधर से आया, छह तो बता दिए मैंने, मकसद था कि मैं क्रश हो जाऊं, इनका मैं हो गया। अच्छा शान भाई, मैं एक सवाल, बहुत मेरे दिल के करीब ये सवाल है, ऐसी क्या तीन चीजें हैं जो अभी भी कम हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को एक सही ट्रैक पर डालने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंसर, प्रोड्यूसर, जो अपनी जात से बाहर सोचे, जो यूथ को स्टोरीज जो हैं, डायरेक्टर्स को, जितने आपके कॉलेजेस से डायरेक्टर्स निकल रहे हैं, एक्टर्स निकल रहे हैं, इन सब को यूटिलाइज करना इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सूबों में मत बटें, हम अपने अपने प्रोडक्शन हाउस ना बना लें, हमें चाहिए कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और दूसरा, आपको अपनी पास, जिस तरह आज भी आपको फिल्म 200 करोड़ करने के लिए पुरानी फिल्मों से ही फिल्म निकालनी तो इसी तरह आपको जो पुराने स्क्रिप्ट हैं आपके, उनको रीवैम्प करके आप उनको एक नए फॉर्म से पेश कर सकते हैं। बेहतरीन, गुड आंसर, वेरी नाइस। अच्छा भाई शान भाई, जाते जाते, क्योंकि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्शन हीरो से बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन का जिक्र ना आए। आपने कहा है कि आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा शफकत चीमा को मारा है, तो क्या कभी शफकत चीमा ने आपसे प्यार से कहा हो यार साड़ी वारी कब आएगी, कभी उनको कभी ख्वाहिश जागेगी यार एक बार तो शान में यूं ही करने दो? नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो आई थिंक बहुत अच्छे हैं वो, और कैरेक्टर उनका बहुत अच्छा है, द वे ही वर्क्स। असल में अनफॉर्चुनेटली वो हैं विलन, तो बुराई को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी एंडिंग में वो होता है, लेकिन एंटी क्लाइमेक्स में हमेशा विलन हेवी होता है। हाँ हाँ, एक सीन पहले वो मार रहा होता है, एक सीन, ये बात तो है। अच्छा मैंने देखा है फिजिक्स के लॉ जितने डिफाई होते थे पाकिस्तानी मूवियों में, है? एक वो विलन होता था एफ्रो बालों वाला, अच्छा मैंने देखा था हीरोइन खड़ी होती थी और वो ना सारे विलन यूं करके मोटरसाइकिल में चक्कर, और फिर हीरोइन का पासिंग द पिलो खेलते थे, तू पकड़। अच्छा शान भाई, आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जलगार हो, वार हो, हम चाहते हैं ये सब बार बार हो, आप मूवीज़ बनाते चले जाएं, क्योंकि ना सिर्फ इस मुल्क की शान है आप, बल्कि इस सिनेमा की जान है। थैंक यू आप, मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लोर करें सारे टॉपिक्स और इस इंडस्ट्री को, इस
हमारे सिनेमा को वहां लेके जाएं जहां ये दुनिया की शान है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। जाने से पहले मैं एक सेल्फी आपसे ले लूं ताकि मेरा करियर बन जाए। शान भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर द मूवी, इंशाल्लाह बॉक्स ऑफिस को तोड़ देगी, फोड़ देगी जरा। थैंक यू इंशाल्लाह। तो खवातीन हज़रात, वक्त हुआ है आज की कमाल बात का। भाई एक मशहूर शख्स गुजरे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका कहना था टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू द राइट थिंग, यानी सही काम करने का वक्त हर वक्त होता है। मगर हम अक्सर ये सोचते हैं कि सही काम करने का वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा तो करूंगा, बुरा काम करते वक्त हम कभी नहीं सोचते। दरअसल अच्छा वक्त तो हर वक्त होता है, मगर हमारी नीयतें ठीक नहीं होती, हमारे जज्बात ठीक नहीं होते। तो अगर आपकी नीयतें जज्बात ठीक नहीं है सही काम करने के लिए, तो किसी मिडिल क्लास अम्मी के पास जाइए, वो आपकी ऐसी मरम्मत कर देंगी कि आपका नीयत, आपकी जज्बात, आपके जज्बात सब ठीक हो जाएंगे। सही काम जब भी करना हो कर डालिए। तो कमाल बात के साथ खवातीन हज़रात, दूसरी कमाल की बात यह है कि 11:55 बज चुके हैं, हंसना मनाए का टाइम इस वक्त खत्म होता है। मेरे साथ मौजूद थे द ग्रेट शान शाहिद और किरण मलिक। खवातीन हज़रात, दिस वॉज ऑल फॉर टुनाइट्स हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए तो अच्छा कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।